उज्जैन में आज महाकाल मंदिर परिसर की महाकाल सभा मंडप में लोक शिक्षण संचालनालय और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नवदश्य कालिदास समारोह का समापन हुआ। गौरतलब है कि यह समारोह 27 दिसंबर से आयोजित किया जा रहा था, जिसमें संपूर्ण प्रदेश के प्रतिभावान छात्र छात्राओं द्वारा महाकवि कालिदास पर आधारित चित्रकला, नृत्य नाटिका, श्लोक गायन की प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर इन 3 दिनों में उज्जैन के प्रख्यात महाकवि कालिदास को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। कार्यक्रम में विधायक महितपुर बहादुर सिंह चौहान, उज्जैन दक्षिण विधायक डॉ. मोहन यादव और प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा शामिल हुए। राज्य स्तरीय शाले कालिदास समारोह है, इसमें शाला स्तर से लेकर के विकासखंड और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद संभाग स्तर और फिर ये अभी 27 से 29 दिसंबर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ हो रही हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती हैं, श्लोक पाठ प्रतियोगिता, उसके पश्चात दूसरी जो है चित्रांकन प्रतियोगिता और तीसरी जो है वो नाटक नृत्य नाटिका प्रतियोगिता। तीनों प्रतियोगिताओं में कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताएं होती हैं और यहाँ पर जो संभाग स्तर पे जो प्रथम प्रतिभागी होते हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी शिक्षा संभागों की इसमें प्रस्तुति हुई है और 27 और 28 दो दिन प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से हो पाई हैं और आज जो है वो समापन समारोह का कार्यक्रम। सर, विशेषता कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है? 237 बच्चों ने और शिक्षकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पूरे प्रदेश से। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं? मैं बता रहा हूँ, सभी शैक्षिक संभागों से आए हैं, शहडोल से, रीवा से, सागर से, जबलपुर से, ग्वालियर से, उज्जैन, इंदौर, सभी संभागों से। प्राइसिंग इनके लिए क्या? 15,000, 10,000, 5,000 तीन तरह के पुरस्कार हैं इसमें जी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। थैंक यू।